दिन हमारे लिए, हमने बहुत अच्छे दर्शन किए भगवान के, गोविंद देव जी की इतनी कृपा है कि आगे से दर्शन हो गया। हमने घर में भी पूरी तैयारी करी है जन्माष्टमी के लिए, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत बहुत आनंद लग रहा है, इतना खुश हो रही है कि बता ही नहीं सकती हूँ। बाबा कृष्णा को देख, बस आज दिन भर भगवान की सेवा। सुरक्षा तो पुलिस की लग रखी है, होमगार्ड्स भी हैं, मंदिर स्वयं सेवक है, स्काउट गाइड के बच्चे लग रहे हैं और मंदिर की तरफ से बहुत सुरक्षा है। उत्साह कान्हा के जन्मोत्सव का लोगों में बहुत अच्छा उत्साह है, पूरे जयपुर की पब्लिक भक्त लोग सुबह मंगला आरती से उमड़ रहे हैं, रात को 12 बजे 21 तोपों की सलामी से कान्हा का लल्ला का जन्म होगा, भक्तों में बहुत अच्छा उत्साह है। मंदिर में हर्षोल्लास से कान्हा का जन्म होगा, लल्ला का 12 बजे रात को 12 बजे, जैसे 12 बजे लल्ला का जन्म हो जाएगा। परमानंद मिल रहा है, बहुत सुंदर आनंद है। मैं, मेरा नाम रूबी गुप्ता है, बहुत सुंदर दर्शन है, 4 बजे से लाइन में लगे तब दर्शन मिले हैं। ये घर में पकवान बनाएंगे अभी जाके, और बहुत तैयारी की है, पकवान है, सब कुछ बनाएंगे घर जाके, बहुत इंतजार, साल भर का इंतजार तो रहता ही रहता है। बहुत सुंदर श्रृंगार है, बहुत सुंदर। भैया मुझे बोलना है, जय कन्हैया लाल की जय। रमन वर्मा मैनपुरी से, सबसे पहले मैं कन्हैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत आनंद आया, बिहारी जी की ऐसी कृपा है कि 2 बार दर्शन हो गए, कल भी आए आज भी दर्शन हो गए हैं सुबह, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा है दर्शन करके, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, हम नोएडा से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। सभी देशवासियों का कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और यहाँ पर आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी तैयारियां हैं यहाँ देख करके मन गदगद हो गया है, बहुत ही आकर्षण यहाँ पे देखने का नजारा है, और मोदी जी और योगी जी के आने से यहाँ पर 4 चांद लग गए हैं, ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ पर आया हूँ साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन ही हो रहे हैं।
जय श्री कृष्ण। प्रति मध्य प्रदेश का निवासी हूँ शाजापुर जिले का। मैं प्रतिवर्ष दर्शन करता हूँ परमात्मा की कृपा से। श्याम लाला के ये दर्शन अलौकिक है। वास्तव में लगता है कि द्वापर के एक छठा आ गई यहाँ पर। इसी से प्रेरणा मिलती है, हमारे भारतवासियों को एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए, बंधुत्व के रूप में रहना चाहिए और सभी भावनाओं में हमें को एकता रखनी चाहिए। मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कृष्ण भगवान की नगरी में आके बहुत खुशी मिल रही है और सारे सपने सच हुए, बैठे बैठे सारे सपने और सारे ख्वाहिश पूरे कम्प्लीट। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत अच्छा लगा, हर साल आते हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत तैयारी करी है, कपड़े लिए, डेकोरेशन के सामान सब कुछ किया है, बहुत अच्छे से करेंगे। बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर, हमेशा की तरह बहुत प्यारा, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। बहुत दूर दूर से आते हैं हमारे यहाँ इसे देखने के लिए। जन्मदिन है, बहुत अच्छे से मना रहे हैं, काफी तैयारी की है हमने, खिलौने वगैरह लाए हैं। रात को 12 बजे जन्म करते हैं, जन्मदिन का अभिषेक करते हैं हम रात को, ठाकुर जी को बड़े अच्छे से तैयार करते हैं। हम मथुरा से हैं, कई बार से आते हैं यहाँ पे रोज सुबह सुबह। हरे कृष्णा। सभी देशवासियों को, युवाओं को, समाज के सभी वर्गों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई। इस कान के द्वारा पूरे विश्व में यह उत्सव बड़े उमंग और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जैसे ही आज राधा पार्षदी दिल्ली मंदिर के 4:30 बजे कपाट खुला, भक्तों का दर्शन करने के तांता लगे। इतनी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में भक्त लोग दूर दूर से भगवान के दर्शन के लिए पधारे और यही प्रवस्था दिन भर और रात भर चलता रहेगा, क्योंकि दर्शन चलता रहेगा। लेकिन जैसे 9:30 बजेंगे भगवान का महा अभिषेक आरंभ होगा। 11:30 बजे 1008 प्रकार के व्यंजनों को भोग लगाया जाएगा, जिसमें 108 प्रकार के केक का भी लगाएगा। ठीक मध्य रात्रि में भगवान का महा आरती होगी और सब भक्त जितने रहेंगे सब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का जो वस्त्र है वृंदावन से बनाया गया है हमारे कुशल कारीगरों के द्वारा, और भगवान का जो मंदिर का सजावट किया गया है थाईलैंड और बंगलोर से मंगाए गए फूलों से बहुत ही भव्य दर्शनीय दृश्य रहेगा। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि आज जन्माष्टमी है, इसका पूरा आनंद उठाए भगवान का नाम लेकर के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो इस जीवन में आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए, कीर्तन करिए, और भगवद गीता के द्वारा जो संदेश दिया गया है उसको अपने जीवन में उतारिये और पवित्रता से रहिए और बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ अपना कर्म करिए। ऐसा कार्य करिए जिससे आप प्रसन्न रहे, आपका पूरा परिवार प्रसन्न हो और पूरा समाज प्रसन्न रहे। ऐसा कार्य हमको करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा भगवान गीता में हमको शिक्षा देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस काम दिल्ली मैनेजमेंट की तरफ से बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। दिल्ली पुलिस के 500 जवान, अवितनी हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, 200 सीसीटीवी कैमरे, डॉक्टरों की पूरी टीम, एम्बुलेंसेस और फायर ब्रिगेड गाड़ियां, इस तरह से व्यवस्था की गई है ताकि हमारी जो जनता दर्शन करने जा रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, भगवान का दर्शन करें और कीर्तन करते हुए, दर्शन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए बाहर निकलते ही सबको प्रसाद देने की व्यवस्था है। सबको ठंडई का प्रसाद, फल का प्रसाद दिया जाएगा। तो हमारी यही व्यवस्था है कि लोग आए, दर्शन करें सुरक्षा पूर्वक और दर्शन करके आशीर्वाद लेते हुए प्रसाद लेकर अपने घर जाएं। इसी सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। हरे कृष्ण।